दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनिशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और खास करके इस वीडियो में चर्चा की जाएगी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल मोरालिटी क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के नेचर में बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक, जहां एंशियंट टाइम में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड सिनेरियो में इंटरनेशनल लॉ का क्या प्रारूप रहता है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल लॉ कैसे चलता है। फिर चर्चा की जाएगी कि मिडिल एज एंड रेनेसा के टाइम में इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और इस वक्त इंडिया का पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहता है। देन हम लोग बात करेंगे मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल लॉ के बारे में, जहां हम लोग कुछ फिलोसफर्स की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी ऑफ नेशन एंड लॉ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ के बेसिक फीचर को डिटरमाइन करने के लिए नेचुरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म के बारे में चर्चा की जाएगी। मॉडर्न टाइम में 18th सेंचुरी में इंटरनेशनल लॉ में क्या डेवलपमेंट हुआ, 19th सेंचुरी में क्या होता है, और 20th सेंचुरी में जबकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा होता है, उस वक्त कैसे इंटरनेशनल लॉ डेवलप करता है और कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत होती है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के द्वारा इंटरनेशनल लॉ कोडिफिकेशन में क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। इंटरनेशनल लॉ दो शब्दों से बना है, फर्स्ट इंटरनेशनल एंड सेकेंड लॉ। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो इसका मतलब हुआ बिटवीन नेशंस और स्टेट्स, और स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है आपको मालूम ही होगा कि स्टेट के लिए फोर थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकेंड एरिया, थर्ड गवर्नमेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉवरेंटी। अगर ये चीजें हैं तभी वो स्टेट कहलाता है, स्टेट के डेफिनेशन में आता है। तो इंटरनेशनल लॉ में जो रिलेशंस होता है बिटवीन द नेशंस और स्टेट, ये ऑपरेट करता है आउटसाइड और बिटवीन द स्टेट्स। और अगर बात की जाए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो इसमें स्टेट शामिल होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल होता है, और कुछ हद तक इंडिविजुअल भी शामिल होता है। अब अगर हम लोग बात करें लॉ के बारे में, लॉ बाइंड्स द मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड इट रिकॉग्नाइजेस वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश लीगल रिलेशन। ये लीगल रिलेशन होता है राइट्स एंड ड्यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर इस कम्युनिटी से कोई भी पर्सन इस रेगुलेशन का इंफ्रिंजमेंट करता है तो वहां कोएर्सिव एक्शन होता है, एंड कोएर्सिव एक्शन पनिशमेंट के रूप में हो सकता है, इंजंक्शन के रूप में हो सकता है, या किसी और रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में अगर बात की जाए तो इट रेगुलेट्स रिलेशन बिटवीन नेशंस और स्टेट्स आउटसाइड और बिटवीन द स्टेट्स, जहां इंफ्रिंजमेंट पर कोएर्सिव एक्शन की बात की जा सकती है। ये मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल लॉ का। इसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फंक्शन के बेसिस पर इंटरनेशनल लॉ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड सेकेंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि जहां प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात होती है वहां इंडिविजुअल मैटर करता है, जबकि अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो यहां नेशंस या स्टेट मैटर करता है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में किसी पर्टिकुलर लीगल सिस्टम की वैल्यू होती है और वो वहां अप्लीकेबल होता है, जबकि अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो ये दो स्टेट्स या नेशन के बीच बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ वॉर टू सैटेलाइट, ट्रेड टू ह्यूमन राइट्स। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लीकेबल तब होता है जब किसी डोमेस्टिक लॉ में कोई फॉरेन एलिमेंट का प्रेजेंस दिखता है, और इनफैक्ट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, जो यदि आप ऑप्ट करते हैं तो आप इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किसी भी डोमेस्टिक लॉ के अंदर फॉरेन एलिमेंट के बारे में चर्चा करता है, या जहां उसका प्रेजेंस होता है उस जगह अप्लीकेबल होता है। इस वजह से जहां भी फॉरेन एलिमेंट का एग्जिस्टेंस दिखता है उस जगह पर उस पर्टिकुलर कंट्री की कोर्ट का एप्लीकेशन सामने आता है। अगर बात की जाए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में कौन कौन सा टॉपिक या सब्जेक्ट शामिल होता है, लाइक डोमेसाइल, किसी पर्सन का डोमेसाइल क्या होगा, इसके बारे में चर्चा की जाती है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि ये कहा जाता है नो पर्सन कैन बी विदाउट डोमेसाइल। किसी भी पर्सन का कोई ना कोई डोमेसाइल जरूर होगा। प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो अलग अलग नेशन के पर्सन के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आता है। यदि आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं और वहां किसी भी तरह का टॉर्ट कमिट करते हैं, उस जगह प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ प्ले करता है। अगर दो पर्सन की शादी किसी अदर कंट्री के
रीति रिवाज के तहत अगर होती है तो वो मैरिज भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बनता है। दो पर्सन के बीच में हुए विवाद का जो कि अलग अलग नेशन के हैं, वहाँ पर आर्बिट्रेशन के लिए भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का रोल प्ले होता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन कोर्ट में फॉरेन जजमेंट को भी शामिल किया जाता है, तो ये एक तरीके से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन है। जबकि अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए तो दो तरह का एप्लीकेशन होता है। फर्स्ट यूनिवर्सल और जनरल एप्लीकेशन हो सकता है। यूनिवर्सल आप समझ ही रहे होंगे, इस शब्द का मतलब ही है कि इट इज बाइंडिंग टू ऑल द स्टेट्स। एंड सेकेंड होता है रीजनल। रीजनल का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में मिलकर के कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी केवल उन्हीं कंट्रीज के बीच में होती है, वो बाइंडिंग उसी कंट्री के बीच में होता है जिनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। तो इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन दो रूप में देखा जा सकता है, यूनिवर्सल और जनरल रूप में, एंड सेकेंड रीजनल फॉर्म में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ही हम लोग इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं, और यहाँ पर समटाइम्स रिलेशन आपको देखने को मिलेगा म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में, यहाँ भी इसका एप्लीकेशन दिखता है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस कंडीशन में, इंटरनेशनल लॉ दिखता है। लॉ ऑफ द सी क्या होगा, यहाँ इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है ना कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। किसी भी स्टेट का जुरिस्डिक्शन किस जगह तक होगा इसके लिए भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रोल प्ले करता है। कोई भी अगर डिप्लोमेट किसी और कंट्री में रह रहा है उसे किस तरह की इम्यूनिटी दी जाएगी पर्सनल लेवल पर या उसके एसेट्स के लेवल पर, ये सारी की सारी बातें और इसका एप्लीकेशन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत कवर होता है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, लाइक रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड कमिटी और प्रैक्टिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो एक्चुअली में बाइंडिंग नेचर का होता है दो कंट्रीज के बीच में, बिकॉज आपने अभी ही देखा इसका दो जगह एप्लीकेशन होता है। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन जनरल रूप में हो सकता है या यूनिवर्सल हो सकता है, और सेकेंड इसका लोकल हो सकता है एप्लीकेशन। तो जिस भी जगह अगर इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है तो ये बाइंडिंग होगा सारी की सारी कंट्रीज के ऊपर, लोकल अगर होगा तो उन सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के ऊपर होगा जिनके बीच में इस तरह का लॉ, ट्रीटीज, कन्वेंशन अगर साइन किया गया है। जबकि कमिटी और प्रैक्टिस का मतलब होता है ये एक लॉन्ग टाइम से चला आ रहा कन्वेंशन होता है, ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। लाइक एक एग्जाम्पल है कि यदि आप किसी अदर कंट्री के शिप पर अगर फ्लैग है उसे देख करके सैल्यूट करते हैं तो ये कमिटी या प्रैक्टिस में आता है, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सैल्यूट करना ही है। यदि आप सैल्यूट नहीं भी करते हैं तो यू आर नॉट वायलेटिंग एनी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बल्कि वो एक प्रैक्टिस है, दो कंट्रीज के बीच में कन्वेंशन है जिसे आप कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल मॉरालिटी क्या होता है। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो इसका नेचर लीगल होता है बाय इट्स कंटेंट एंड बाय इट्स नेचर। जबकि अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉरालिटी की तो इट इज ए ब्रांच ऑफ एथिक्स, जहां आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, इसके बारे में आंसर मिलता है। एंड आउट टू बी आप जान रहे हैं दैट इज अ मैटर ऑफ मॉरल कंसाइंस। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का मतलब कहीं भी नहीं है कि वो मैकेनिकली काम करेगा केवल कंटेंट और नेचर के बेसिस पर, बल्कि इसके अंदर भी इंटरनेशनल मॉरालिटी होनी चाहिए। सो इसी कारण कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इट्स मॉरालिटी, क्योंकि जब हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां आप देखेंगे जहां नेचुरल लॉ की बात की जाती है वहां एक्चुअली इस मोरालिटी की ही बात की जाती है, जिसका बाद में खंडन होता है। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, बट यहां पर जो भी बात की जाएगी बहुत ब्रीफली बात की जाएगी क्योंकि ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, और जब उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेंथ एंड ब्रेथ में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। बट अगर बेसिक डिफरेंस की अगर बात की जाए तो कोई भी जो म्युनिसिपल लॉ होता है, लाइक इंडिया में जो लॉ चल रहा होता है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि वहां पर एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है। और आपको मालूम है जो भी गवर्नेंस होता है उसका 3 पार्ट्स होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर ये तीनों होता है तो उसके बाद म्युनिसिपल लॉ वहां पर एस्टेब्लिश होता है, जहां लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी ये देखती है कि क्या वो कानून सही में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्फ्रिंजमेंट के केस में सैंक्शन लगाती है, पनिशमेंट देती है, इंजंक्शन लगाती है, जो भी प्रक्रिया उसके पास दिया हुआ है उसे वो अपनाती है। अब अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में अगर देखा जाए तो म्युनिसिपल लॉ उसके लिए जरूरी है कि 3 पार्ट्स उसका होना जरूरी है। जबकि अगर बात की जाए इंटरनेशनल लॉ की तो लेजिस्लेचर के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है। जनरल असेंबली को एक तरीके से माना गया कि ये लेजिस्लेचर है, बट एक्चुअली उसका जो नेचर है वो लेजिस्लेचर की तरह कम्प्लीटली नहीं है, बिकॉज जो भी वो
रिजोल्यूशन पास करती है दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स, और जब बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है तो वहां पर एक कंप्लीट लेजिस्लेचर बनके तैयार नहीं हो पाता है। अब अगर बात की जाए एग्जीक्यूटिव की, तो सिक्योरिटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट ही हुआ था किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए और बाकी चीजों का ख्याल रखने के लिए। लेकिन यहाँ आपको मालूम होगा कि 5 परमानेंट मेंबर हैं और इसमें से हर मेंबर के पास वीटो पावर होता है, जिसके कारण कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है उसमें अगर कोई भी एक कंट्री जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है अगर वो वीटो कर देता है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो वो मैटर वहीं पर रुक जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वीटो पावर इनके एग्जीक्यूटिव पावर का लिमिटेशन है। अब अगर बात की जाए जुडिशरी की, तो ICJ जो कि आपका 1946 में तैयार हो चुका था, जो कि एक्चुअली में 1921 में PCIJ था, मींस परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, तो इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये हर मैटर के ऊपर सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है। उसके लिए जरूरी ये है कि कोई भी मैटर जब तक इसके पास दो कंट्री के बीच जो चल रही है अगर नहीं पहुंचाई जाती है, दोनों अगर अग्री नहीं होते हैं, ICJ उस पर डिसीजन नहीं दे सकता है। इसी कारण किसी भी मैटर पे डिसीजन देने के लिए या उस बात को सुनने के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टी अपने मैटर को लेकर के ICJ के पास जाए, अग्री रहे, वो वॉलंटरी उनका एक्शन हो। और दूसरी बात ये होती है कि जब ICJ उस बात की सुनवाई करता है तो बस उसका रोल वहीं समाप्त हो जाता है। अब उन दोनों कंट्री ए और बी के बीच में जो भी डिसीजन आया है वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को ICJ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि म्युनिसिपल लॉ में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करता है, और इनके फंक्शन नहीं करने पर म्युनिसिपल लॉ नहीं रह पाएगा। जबकि अगर इंटरनेशनल लॉ में अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के रोल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। अब हम लोग बात करेंगे जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आज हमें दिख रहा है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसकी जर्नी क्या थी, जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एंशियंट टाइम के बारे में, सेकेंड मिडिल एज या रेनेसा जिसे कि पुनर्जागरण कहा जाता है, 14th सेंचुरी के आसपास हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जो अपने पीक पर पहुंचता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में। देन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज होती है, कन्वेंशन होता है, और क्या इसका रूप सामने आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम। अगर एंशियंट टाइम के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ल्ड सिनेरियो में, देखते हैं कि क्या क्या तब्दीली आ रही थी, देन उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन सिनेरियो में। 2100 BC के आसपास मेसोपोटामिया में देखा गया कि लेगस और उमा ये दो रूलर्स थे, इन दोनों ने अपने बीच में एक पैक्ट किया, और पैक्ट ये था कि जो इनकी बाउंड्री है उस बाउंड्री का रिस्पेक्ट करेंगे और कभी भी उस बाउंड्री को वायलेट नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो अपने छोटे रूप में इंटरनेशनल लॉ यहाँ चालू होता है, ऑल्दो उस वक्त इंटरनेशनल लॉ या वर्ल्ड कम्युनिटी का उस वक्त सेंस नहीं था। ऐसा ही टाइज दिखता है इजिप्ट में जहाँ रामेसिस 2 और किंग हीटर्स के बीच में समझौता होता है। अगर एंशियंट इजराइल के बारे में बात की जाए तो इनका वॉरफेयर को लेकर के बहुत ही बड़ा रोल रहा है, इन्होंने पीस एंड सोशल जस्टिस पर बहुत काम किया है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री था जो धर्म युद्ध का मेन केंद्र बना हुआ था, और यही कारण है कि वहां पर जो भी पैक्ट हुआ और जो समझौता हुआ अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में और अलग अलग कंट्रीज के रूप में, जस्ट टू एस्टेब्लिश पीस एंड सोशल जस्टिस, क्योंकि जहां वार होगा वहां सोशल जस्टिस मुश्किल है। इंटरनेशनल लॉ में ग्रीस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और खास करके यहाँ पर नेचुरल लॉ की शुरुआत होती है। नेचुरल लॉ अगर आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी तक यही प्रिवेल कर रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है इंटरनेशनल लॉ को, लेकिन इस नेचुरल लॉ का टाइम टू टाइम मीनिंग चेंज होते रहा। जहां पहले नेचुरल लॉ रिलीजन के बेस पर हुआ करता था, बाद में ये मैनकाइंड के विजडम के ऊपर होने लगा, और इसी के बेस पर और इसी को लेकर के नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल सामने आता है। ग्रीस उस वक्त ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां फिलोसफिकल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल हर तरीके का थॉट और एनालिसिस प्रिवेल करता था। ग्रीस सभ्यता हर दृष्टिकोण से बहुत विकसित सभ्यता थी, जिसके वजह से आप यहां देखेंगे कि बहुत सारी ट्रीटीज होती है, और ये ट्रीटीज होती है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रूप में। कॉमर्शियल बिकॉज कॉमर्स उस वक्त लोगों की नीड थी, और कॉमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जरूरी था कि जो भी पॉलिटिकल पैक्ट हो वो सही हो,
क्योंकि किसी भी कंट्री की राज व्यवस्था ही इस बात को निर्धारित करती है कि वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कैसी होगी। जहां का पॉलिटिकल सेटअप स्टेबल है और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल नहीं है, आप देखेंगे उन जगहों पर कमर्शियल डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। ग्रीस में फिर बात की गई ह्यूमन रिलेशन के बारे में, जहां पर की चर्चा की जाती थी राइट ऑफ सिटीजन के बारे में कि एक सिटीजन का राइट क्या होना चाहिए। अब चूंकि वहां पर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल ये दोनों तरह की ट्रीटीज हो रही थी, तो उसमें डिप्लोमेटिक कॉन्वे के सेंटिटी एंड प्रोटेक्शन के बारे में भी बात की जा रही थी। और वैसे भी कहा जाता है ई इक्वल टू ई, दैट इज इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जिसका इकोनॉमी पे होल्ड होता है उसकी ही एम्पायर होती है, और इकोनॉमी पे होल्ड करने के लिए बहुत बार वॉर होता है। तो इन वॉर से पहले क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या कन्वेंशन होना चाहिए, क्या रूल होनी चाहिए, इस पर भी ग्रीस में काफी वर्क किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीस में ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो उसके आसपास के एरिया के लिए हो रहा था, और उस वक्त यहाँ ग्रीस में वर्ल्ड कम्युनिटी का कोई सेंस नहीं था। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो रोम का भी बहुत योगदान रहता है। यहाँ सिविल लॉ प्रिवेल कर रहा होता है, और रोम का सबसे बड़ा योगदान है ऑर्गेनाइजेशन और लॉ को लेकर के। अब जैसे ऊपर बात किया गया था नेचुरल लॉ के बारे में, रोम वालों ने भी ग्रीस के नेचुरल लॉ को अडॉप्ट किया था, लेकिन वहां पर नेचुरल लॉ इनके लिए रिलीजियस मोरालिटी हुआ करती थी। रोम में उस वक्त जस सिविल का डोमिनेशन था, जस सिविल जो था वो केवल रोमन सिटीजन के लिए था, जबकि इसके बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद वहां पर जस जेंटियम के बारे में बात किया जाता है, और ये जस जेंटियम था रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेनर्स एंड सिटीजन। और कुछ समय के बाद जो जस सिविल रोम में चल रहा था उसका स्थान ले लेता है जस जेंटियम, और वहां पर जस जेंटियम का यूनिवर्सल एप्लीकेशन दिख रहा था। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था अभी कि नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट इन्होंने ग्रीक से लिया था, विच वॉज फॉर्मुलेटेड बाय स्टोइक फिलोसोफर ऑफ 3rd BC, और इसी नेचुरल लॉ को यूनिवर्सल एप्लीकेशन के रूप में देखा गया, और ये नेचुरल लॉ इन लोगों के लिए रिलीजियस मोरालिटी हुआ करती थी। जो आप देखेंगे 16th century के आसपास ये रिलीजियस मोरालिटी ह्यूमन रेशनल का रूप धारण कर लेती है। अब हम लोग बात करते हैं एंशियंट टाइम में इंडिया का क्या योगदान रहता है। अगर इंडिया में देखा जाए 2500 BC के आसपास इंडस सिविलाइजेशन चल रहा था, और इंडस सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था। अगर आप यहाँ की नगर प्रणाली वगैरह देखें तो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल एंड कॉमर्शियल सेटअप बहुत ही उन्नत किस्म का था। उस वक्त इंडस सिविलाइजेशन का ट्रेड एंड कॉमर्स मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से, असीरिया से एंड अलग अलग सभ्यता से हो रहा था। उसके बाद आता है इंडिया में वैदिक एज अराउंड 1000 BC, और इस वक्त अगर बात की जाए वैदिक एज में तो भारत वर्ष की कल्पना की गई थी, जिसके एक बहुत बड़ी एरिया के बारे में बात की गई थी, भारत वर्ष से जम्बी द्वीपे। और अगर बात की जाए वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में तो शास्त्रों में लिखा हुआ था अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेत साम उदाचरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात यहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना थी कि पूरा वर्ल्ड ही आपका परिवार है। तो देखा जाए तो इंडिया में वर्ल्ड कम्युनिटी का सेंस बहुत पहले से था। 400 BC के आसपास कौटिल्य हुए, जिन्हें कि चाणक्य भी हम लोग बोलते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और यदि आप अर्थशास्त्र देखेंगे तो ये उस वक्त के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, एक किंग का कर्तव्य क्या होना चाहिए, कैसे उस राजा को ट्रीटीज करनी चाहिए अपने बगल के राज्यों से, शत्रु राज्य क्या होता है, मित्र राज्य क्या होता है, राज्य की कल्पना थी, और एक राजा का इंटरनेशनल रिलेशन किस प्रकार से होना चाहिए, इन सारे चीजों के बारे में उसमें चर्चा की गई थी। अब अगर अराउंड 300 BC के आसपास देखते हैं तो राइज ऑफ अशोका के साथ हम लोग देखते हैं कि अशोका की जो धम्म नीति थी वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इंडिया के बाहर भी ये जा रही थी। और इस वक्त अशोका ने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए थे, जिसमें 13th अगर शिलालेख की बात की जाए तो यहाँ पर कलिंग विजय के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए इसके बारे में चर्चा की गई थी। और अगर पड़ोसी राज्यों के बारे में अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट कर रहा था। 600 BC के आसपास इंडिया में बुद्धिज्म अपने चरम पर था, और बुद्धिज्म पीस एंड ब्रदरहुड का संदेश देता रहा है, जिसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, और बहुत सारा टाइज बनता है इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टाइज, सोशल टाइज, पॉलिटिकल टाइज। और इसके बाद अगर हम लोग AD में बात करें तो चोला डायनेस्टी आता है, और इसके अगर नेवल एक्सपीडिशन के बारे में बात की जाए तो उस वक्त ये माना जाता है कि वर्ल्ड में इनका नेवल व्यवस्था दैट वॉज अनपैरेलल। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इंडिया में एंशियंट टाइम में ब्रदरहुड की बात तो थी ही, ट्रेड कॉमर्स फ्लरिश कर ही रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा था,
कैसे पड़ोसी राज्यों के साथ आपका संबंध होना चाहिए इसके बारे में बात हो रही थी। ट्रेड, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल टाइज के अलावा रिलीजन भी इंटरनेशनल रिलेशन का आधार बनता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो नेवल एक्सपीडिशन, इट मींस कि हमारा समुद्र को लेकर के भी एक कानून था। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल एज या रेनेसा के बारे में। रेनेसा का मतलब आप जानते हैं कि पुनर्जागरण होता है, और ये एक तरीके से बौद्धिक जागरण का संदेश था। इस वक्त पहले हम लोग देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा था। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो उस वक्त यूरोप की हेजमनी थी। यूरोप में केवल एक ही रिलीजन था और रिलीजन के बेसिस पर उनके बीच में रिलीजियस टाइज था। और इस वक्त इक्लिजियास्टिकल लॉ देखने को मिलता है, क्योंकि वन रिलीजन का मतलब है कि धर्म की वहां पर प्रबुद्धता, और जहां पर धर्म का वर्चस्व था वहां पर गिरजाघर का और पादरियों का रोल बहुत बढ़ जाता था। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा उस वक्त चर्च की अथॉरिटी रहती है और इनके पास ही कॉम्प्रिहेंसिव पावर रहता है। एक तरफ एम्पायर, दूसरी तरफ चर्च, स्ट्रगल होना स्वाभाविक था पावर के लिए। और उस वक्त अगर देखा जाए तो रिलीजियस अथॉरिटी में रिलीजन और कॉमन लेगेसी, ये रूल ऑफ होली एम्पायर के ऊपर हावी हो रही थी। और यही कारण था कि चर्च और होली एम्पायर दोनों के बीच में स्ट्रगल का माहौल बना हुआ था। रेनेसा के कारण हम लोग देखते हैं कि इस टाइम कमर्शियल एंड मरीन लॉ चालू होता है, और खासकर कमर्शियल लॉ में लॉ ऑफ मर्चेंट, जिसमें कुछ कोड बनाए गए थे, और ये कोड रिलेटेड था फॉरेन ट्रेडर्स एंड यूनिवर्सल रूल को लेकर के। और फॉरेन ट्रेडर्स के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए मर्चेंट कोड बनाया गया था, और इस प्रकार से यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ना चालू हुआ, वैसे वैसे मॉडर्न स्टेट सामने आने लगा, और इन मॉडर्न स्टेट में है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ETC। ट्रेड एंड कॉमर्स और मरीन, इन मॉडर्न स्टेट के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाने का काम किया। और इस वक्त जितने भी मॉडर्न स्टेट हुए वो अपने आप को सॉवरेन मानने लगे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी इस वक्त सामने आती है। और जैसे ही बात की जाती है सॉवरेनिटी की, तो उस वक्त हर किसी का अपना लॉ होता है, चाहे वो कस्टमरी लॉ होता है। तो जिसकी वजह से इंग्लैंड में वहां का लॉ प्रिवेल कर रहा था, फ्रांस में वहां का लॉ चल रहा था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी एक तरह से कस्टमरी रूल को इंटरनेशनल रिलेशन पर इम्पोज कर रहा था। जब ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश कर रहा था, तो इस वक्त बहुत सारे थिंकर्स सामने आते हैं, इंटेलेक्चुअल सामने आते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स का मानना था कि जो भी टाई चल रहा है मॉडर्न स्टेट के बीच में, ये एक तरह से इंटरनेशनल लॉ का रूप है, इनका कुछ अपना बेसिस होना चाहिए, और इसके जस्टिफिकेशन को लेकर के कुछ बातें ये लोग कर रहे थे। जिसमें एक इंटेलेक्चुअल है मेन, ही वॉज एक्चुअली ब्रिटिश हिस्टोरिकल लॉयर, और इनका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ का जो जन्म हुआ है, दैट इज द ग्रैंडेस्ट फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नेशन। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मिडिल एज में और रेनेसा के कारण, जहां पर केवल एक ही रिलीजन यूरोप में प्रिवेल कर रहा था, उसकी सत्ता को चैलेंज किया जा रहा था एम्पायर के द्वारा, इस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स और मरीन लॉ काफी डेवलप हो रहा था, नई नई सिटी सामने आ रही थी, मॉडर्न स्टेट सामने आ रहा था, इनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा था, और इंटेलेक्चुअल्स का कुछ ग्रुप इन रिलेशन को डिफाइन कर रहा था कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्या इसकी बेसिस होनी चाहिए। वही हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या होता है। अगर इंडिया में मिडिल एज रेनेसा की बात की जाए, तो यहाँ बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का माहौल रहता है। इस वक्त बहुत सारे लोग इंडिया को लूटने के लिए ही आए थे, जिसे हम लोग प्लंडर बोलते हैं, और ये प्रक्रिया चालू होती है 712 AD से, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आता है। दिन गजनी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 17 टाइम्स इंडिया पर इसने अटैक किया, और लास्ट जो इसका फेमस अटैक था, दैट वाज अटैक ऑन सोमनाथ मंदिर, दैट इज इन 1025 AD। देन 1178 में मोहम्मद गौरी यहाँ आता है, और उसके बाद 1206 से इंडिया में सल्तनत पीरियड चालू होता है। तुगलक आते हैं, सैयद आते हैं, लोदी आते हैं, इनमें से कोई भी इंडिया के विकास के लिए नहीं आते, ना ही इंडिया में रहने के लिए आते हैं, देवर एक्चुअली प्लंडर। और इस वक्त इंडिया में बहुत छोटा छोटा राज उभर करके सामने आ रहा था, लाइक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मारवाड़। जैसे आप लोगों ने देखा, यूरोप में धर्म युद्ध चल रहा था, रिलीजियस मोमेंट चल रहा था, चर्च का वर्चस्व था, वैसे ही इंडिया में भी बहुत सारा भक्ति मोमेंट चल रहा था, जिसमें एक तरफ सूफी मोमेंट चल रहा था, तो दूसरी तरफ संत मोमेंट चल रहा था। और इसके बाद 16th सेंचुरी में यहाँ पर राइज ऑफ मुगल देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत होती है बाबर से, देन हुमायूं, शेरशाह, अकबर। अकबर ने एक नया धर्म चालू किया था, दीन ए इलाही, और उसका ये प्रक्रिया जहांगीर, शाहजहां एंड 1707 में औरंगजेब तक चलता है, जिसके डेथ के बाद इंडिया में मॉडर्न टाइम की शुरुआत मानी जाती है। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारा रिवोल्ट चल रहा था, बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा था, लाइक महाराष्ट्र की तरफ राइज ऑफ मराठा चल रहा था, जाट रिवोल्यूशन चल रहा था, और ये सारा का सारा रिवोल्यूशन मुगल एम्पायर को वीक करने के लिए था।
तो वैसे भी कहा जाता है शांति काल में ही किसी बौद्धिक कार्य की संपन्नता होती है, और जब इंडिया में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था, उस कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ या किसी और चीज के बारे में सोच पाना एक टेढ़ी खीर थी। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कैसे मॉडर्न टाइम में आगे बढ़ता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके डेवलपमेंट में फोर थिंकर्स का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें फर्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को विटोरिया। ये स्पेनिश रोमन कैथोलिक फिलोसोफर थे एंड ही वाज एक्चुअली प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी मींस धर्मशास्त्र। सिंस ही वाज जुरिस्ट ऑफ रेनेसा स्पेन, तो इन्होंने सलमानका यूनिवर्सिटी में एक स्कूल ऑफ थॉट एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम ही पड़ गया सलमानका स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जस्ट वॉर के बारे में, कि जहां पर वॉर जस्ट हो वो जस्टिफिएबल है। और जस्ट वॉर का मतलब ये था इनके लिए कि जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरी है, अगर वो कहीं पर धर्म प्रचार के लिए जा रही है, उनका अगर अगेंस्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यदि वॉर किया जाता है तो दैट इज जस्ट वॉर। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंटरनेशनल लॉ का, खास करके ट्रेड ओवरसीज को लेकर के एंड फ्रीडम ऑफ कॉमर्स को लेकर के, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा गया। जब तक ये जिंदा रहे इनका कोई भी पब्लिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन इनके शिष्यों ने इनके मरने के बाद जो भी इनका लेक्चर था उसे प्रिजर्व किया और पब्लिश किया। इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात की थी, जिसमें इनका कहना था कि यूरोपियन के अलावा नॉन यूरोपियन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सेकंड नाम इस कड़ी में आता है फ्रांसिस्को स्वराज का। ही वाज जेसुइट प्रीस्ट फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन। फ्रांसिस्को विक्टोरिया ने जिस स्कूल की शुरुआत की थी उसमें ये एक लीडिंग फिगर थे। इनका ये मानना था कि इंटरनेशनल लॉ में जो ऑब्लिगेटरी करेक्टर है दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, और जो भी इसका सब्सटेंसेस है इंटरनेशनल लॉ का दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ। थर्ड नाम इसमें आता है एब्रिको गेंटलिस। इनका जन्म इटली में हुआ था, लेकिन इटली में इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना था, जिसकी वजह से ये भाग करके इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये इंडियन इंग्लिश जुरिस्ट बनते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये क्वीन एलिजाबेथ के टीचर तो हुआ करते थे। ही वॉज प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल लॉ एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सिंस ही वॉज फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसकी वजह से इनको भी फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। तो आपने पहले ऊपर देखा फ्रांसिस्को विटोरिया, एब्रिको गेंटलिस, इन दोनों को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। इस कड़ी में एक नाम और शामिल होगा। इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें इनका सबसे फेमस बुक था द जुरे बेली, जिसमें इन्होंने कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन किया है लॉ ऑफ वॉर के बारे में एंड लॉ ऑफ ट्रीटीज के बारे में, कि एक वॉर का लॉ क्या होना चाहिए, एक ट्रीटीज में लॉ क्या होना चाहिए, और यही कारण है कि इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। इस कड़ी में अगला नाम आता है ह्यूगो ग्रोटियस का। ही वॉज मास्टर इन हिस्ट्री थियोलॉजी मैथ्स एंड लॉ। रिलीजियस कंट्रोवर्सी के कारण इनको लोवेस्टिन कैसल में कैद कर दिया गया था। वहां से किसी तरीके से ये अपना जान बचा करके फ्रांस पहुंचते हैं। इन्होंने भी अपने टाइम में बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें दो इनकी फेमस बुक है। फर्स्ट बुक है द जुरे बेली एक्ट पेसिस, जिसका मतलब है लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, एंड सेकेंड इनकी बुक है मेरे लिब्रम, जिसका मतलब है फ्री सीज। इन्होंने ये बुक उस वक्त फ्रांस के राजा लुइस 13 को डेडिकेट किया था, और इनके वर्क की वजह से ही इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जो इनकी समझ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के थी और इनका आइडियोलॉजी था दैट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तीन नाम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में आता है, फ्रांसिस्को विक्टोरिया, एबेरिको गेंटलिस एंड ह्यूगो ग्रोटियस, जिसमें मैक्सिमम जगह आप लोग ह्यूगो ग्रोटियस का नाम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में जानते होंगे। अब हम लोग देखते हैं सोसाइटी ऑफ नेशन एंड लॉ ऑफ नेशन क्या होता है। सोसाइटी ऑफ नेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको मालूम है कि बिना सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से इन नेशंस का भी अपना एक सोसाइटी होना चाहिए। तो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उसमें सिविलाइज्ड वर्ल्ड आपस में मिलकर के एक सोसाइटी बनाती है, विच इज नोन एज सोसाइटी ऑफ नेशंस। और यहाँ पर सिविलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब उस वक्त के हिसाब से क्रिश्चियन कंट्रीज से था, एंड लॉ ऑफ नेशंस का मतलब ये हुआ कि ये जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में रिलेशन कंटिन्यू करने के लिए क्या कानून होगा, क्या लॉ होगा, सो दैट दे कैन रेगुलेट इंटर रिलेशन एंड कैन कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। यही था लॉ ऑफ नेशंस। जैसा कि हम लोगों ने इन फिलोसोफर के बारे में जब चर्चा किया था तो बात की थी कि मोस्ट ऑफ द देम आर सपोर्टर ऑफ नेचुरल लॉ, तो उसी के बेसिस पर चालू होता है नेचुरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है टू डिटरमाइन कि इंटरनेशनल लॉ ड्राइव्स इट्स बाइंडिंग अथॉरिटी फ्रॉम वेयर, और इसी कारण दो ओपिनियन सामने में आता है दैट इज नेचुरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म। सैमुअल पफेंड्रॉप वॉज प्रोफाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, और इनका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ इसका बेस है लॉ ऑफ नेचर, और उस वक्त लॉ ऑफ नेचर का मतलब था रिलीजन, जिसकी वजह से इनका ये मानना था
कि इंटरनेशनल लॉ एक तरीके से डिवाइन लॉ है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम ये धारणा चेंज होती है और अब रिलीजन का स्थान लेता है नेचर ऑफ मैन, और इस तरीके से ये सेक्युलर लॉ कहलाने लगा। नेचर ऑफ मैन का मतलब है कि एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन के हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट वॉज नेचर ऑफ मैन। ये थॉट अपने आप में एक आइडियलिस्टिक थॉट था जो मोरालिस्टिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। इनका मानना था नेचर लॉ का एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, एंड नेचर लॉ का जब एप्लीकेशन यूनिवर्सल है तो इन्होंने कस्टम्स एंड ट्रीटीज की अनदेखा की, और यही उभर कर सामने आता है पॉजिटिविज्म, जिसके इनिशिएटर थे रिचार्ड जॉचे, और इन्होंने नेचुरल लॉ को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि इनका मानना था कि इंटरनेशनल रिलेशन कस्टम्स एंड ट्रीटीज पर डिपेंड करता है, केवल नेचुरल लॉ पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि अगर लॉ ऑफ वॉर की बात की जाए या लॉ ऑफ पीस की बात की जाए, इन दोनों में कस्टम्स और ट्रीटीज का रोल रहता है, नेचुरल लॉ का रोल नहीं रहता है। और इनका मानना था कि नेचुरल लॉ अभी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। और इसी क्रम में आते हैं स्टाइल बैंकर शॉक, जिन्होंने स्ट्रेस दिया मॉडर्न प्रैक्टिस के ऊपर, और इन्होंने वर्चुअली इग्नोर किया नेचुरल लॉ को, और इन्होंने कुछ थ्योरी प्रपाउंड किया, एंड द थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन न्यूट्रल वॉर, कि उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज स्टेट्स की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ सी कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पॉजिटिव स्कूल के थॉट का बेस था रेनेसा एंड मॉडर्न थॉट, क्योंकि इस रेनेसा ने ही मॉडर्न थॉट को ट्रिगर किया था, या आप कह सकते हैं मॉडर्न थॉट ने रेनेसा को ट्रिगर किया था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, मींस कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, और रेनेसा के साथ ही मॉडर्न स्टेट राइज करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है। और इस वक्त बोडिन और होप्स हुए जिन्होंने थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी के बारे में बात की, और थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी में आप लोगों ने देखा कि कैसे कस्टम का रोल होता है, और जहां पर कस्टम का रोल होता है वहां पर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कस्टम सामने आ जाता है, जिस चीज को अनदेखा नेचुरल लॉ वालों ने किया था। इस प्रकार से अगर देखा जाए 18th सेंचुरी में तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज सामने आए, बहुत सारे फिलोसोफर सामने आए, और इसी वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ 1780 में बेंथम के द्वारा इवॉल्व किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल लॉ का क्या होता है। रेनेसा, उसके प्रभाव और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हम लोग देखते हैं इस वक्त नेशंस का अप्रोच प्रैक्टिकल हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मशीनीकरण को बढ़ा था, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, इन्हें मार्केट चाहिए था, अब ये एक्सपेंशनिस्ट हो चुके थे, और ये टाइम था पॉजिटिव एरा का, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट का, ना कि नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट का, क्योंकि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट का अप्रोच प्रैक्टिकल था जबकि नेचुरल स्कूल वालों का थॉट मोरालिटी बेस्ड था। 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आप देखेंगे दुनिया में उस वक्त डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का परचम लहराने लगता है। 1833 में लेटिन अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती है। 1861 में इटली एंड 1866 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, और इनके यूनिफिकेशन ने दो चीजों को ट्रिगर किया, फर्स्ट एक्सपेंशनिज्म एंड सेकेंड रेशियल सुप्रीमेसी। इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉ हुआ करता था दैट वॉज यूरोसेंट्रिक, और जितने भी सिविलाइज स्टेट थे उनको ये प्रोटेक्ट करते थे, और सिविलाइज स्टेट का मतलब था क्रिश्चियन स्टेट, और इसी कारण जितनी भी पावर थी उस पर होल्ड इनका ही हुआ करता था कि इस कम्युनिटी में अगर कोई भी अदर कंट्रीज शामिल अगर होना चाहता है तो उसके लिए परमिशन इन्हीं वेस्टर्न पावर से लेना पड़ेगा, और उनके ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज की जाती थी। इन चीजों को देखते हुए कांग्रेस ऑफ वियना आता है, जिसमें यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर की बात की जाती है। अब जो पहले इन कंट्रीज के पास स्मॉल प्रोफेशनल फोर्सेस हुआ करता था दैट वॉज रिप्लेस्ड बाय लार्ज आर्मी। 1760 से 1840 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का परिणाम होता है मैकेनाइज्ड यूरोप। इस वक्त इकोनॉमिक डायकोटॉमी देखने को मिलता है, जहां कैपिटल और लेबर का वर्चस्व होता है, इनके बीच में स्ट्रगल हो रहा होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन होता है फॉर द राइज ऑफ सेवरल प्राइवेट और इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इन्हें रॉ मटेरियल के लिए एक कंट्री चाहिए, और इन्हें एक मार्केट भी चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश कर रहा है, इन्हें नया जगह चाहिए, और इस प्रकार से कॉलोनिज्म इस वक्त अपने चरम पर था, और आपको मालूम ही होगा कि इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सो बाय दिस वे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रिगर टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और जो भी इस वक्त प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट था उसे गवर्न करने के लिए कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी, जिसके वजह से कुछ ट्रीटीज कुछ कन्वेंशन इन कंट्रीज के बीच में होता है, जिसके बारे में अब हम लोग ब्रीफली चर्चा करते हैं। इस वक्त के कन्वेंशन के बारे में बात की जाए 1815 का कांग्रेस ऑफ वियना देखने को मिलता है, जो एक तरीके से इंटरनेशनल लेजिस्लेशन था ऑन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और इस वक्त इंटरनेशनल वाटरवेज पे बहुत सारे रूल्स सामने आते हैं। 1856 में डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस होता है, जहां पर मैरीटाइम वॉर को रेगुलेट करने की बात की जाती है। 1863 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस बनाया जाता है,
और इनका पर्पस होता है जो भी सैनिक वॉर में इंजर्ड हुए हैं उनकी सहायता की जाए। 1864 में जेनेवा कन्वेंशन होता है विच वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें भी जितनी भी सिक और वुंडेड आर्मीज है उनके लिए क्या रूल होना चाहिए उसके बारे में बात की जाती है। 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफिक यूनियन आता है। 1868 में डिक्लेरेशन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग होता है जहां पर कि इस बात पर सहमति बनाई जाती है कि जब भी कोई वॉर होगा वहां कोई एक्सप्लोजिव बुलेट का यूज नहीं किया जाएगा। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देखने को मिलता है। 1899 एंड 1907 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सामने आता है जिनका मेन मकसद होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, कंट्रोल ऑफ वॉरफेयर। और इस वक्त ही जो समझौता होता है उसमें ये बात की जाती है कि वैसा टाउन जो कि अनडिफेंडेंट है वहां पर आप बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, और ये एक वैसा वक्त है जब अग्रीमेंट कस्टम्स और रेगुलेशंस इसका ग्रोथ देखने को मिलता है दो कंट्रीज के बीच में। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इतना सारा कांग्रेस ट्रीटी कन्वेंशन ये सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ को मजबूत कर रही थी और जो आज इंटरनेशनल लॉ है उसकी रूपरेखा तैयार कर रही थी। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। इस वक्त इंटरनेशनल लॉ में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलता है और उसका मेन रीजन था वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन से पहले वर्ल्ड का कंडीशन ये था कि ये यूरोसेंट्रिक था, यहाँ पर यूरोपियन एम्पायर का रूल था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, यूरोपियन आइडियोलॉजी अपने आप में सुप्रीम मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन होता है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में इन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसके बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेली होती है और इसी वक्त लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखा जाता है। लीग ऑफ नेशन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका पर्पस था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशंस, लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी था। इसमें शुरुआती दौर में यूएस और सोवियत यूनियन शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो लीग ऑफ नेशन बेसिकली यूरोपियन यूनियन का ही एक रूप था। लीग ऑफ नेशन का जो पर्पस था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशंस, ये अपने इस पर्पस में फेल हो जाती है। 1931 में जापान चाइना को इन्वेड करता है और दो साल के बाद अपनी सदस्यता लीग ऑफ नेशन से हटा लेता है। 1939 में सोवियत यूनियन को लीग ऑफ नेशन से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है और उसके बाद सोवियत यूनियन फिनलैंड को इन्वेड करता है। 1919 में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो कि आज तक है। 1921 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनता है जो कि आप देखेंगे 1946 में यही ICJ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पहले PCIJ था वो बाद में बनता है ICJ। 1925 में लंदन में UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बेल्जियम के बीच में ट्रीटी ऑफ लोकार्नो होता है जिसमें इनके बीच में आपस में समझौता होता है कि ये लोग आपस में पीस और गुडविल बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट में फोर्स यूज नहीं करेंगे। 1928 में केलिब्रेंड पैक्ट होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड की सिग्नेटरी होती है और इनके बीच में समझौता होता है कि वार का यूनिवर्सली ये लोग कंडेम करेंगे और जो भी डिस्प्यूट कंट्रीज के बीच में होगा उसका सेटलमेंट पीसफुल मैनर से किया जाएगा। 1929 में जेनेवा कन्वेंशन होता है जिसमें 47 सिग्नेटरी कंट्रीज रहती है और इस वक्त कुछ कोड तैयार किया जाता है एंड द कोड वॉज कोड ऑफ वॉर, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया जाता है लाइक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एमेलियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वॉर वुंडेड एंड द सिक आर्मी पर्सनल, इनके बारे में क्या होना चाहिए, इनके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, कलेक्टिवली पेनल्टी फॉर एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहाँ पर ही बात की गई थी परमानेंट इम्यूनिटी ग्रांट करने के लिए मेडिकल यूनिट्स और मेडिकल पर्सनल जो ये सिक और वुंडेड आर्मी की सेवा कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी। लीग ऑफ नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होने के बावजूद और इतनी सारी ट्रीटीज होने के बावजूद ये अपने मकसद में फेल हो जाते हैं और वर्ल्ड वॉर टू होता है जो चालू होता है 1939 में और इसकी समाप्ति होती है हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम के गिरने के बाद, दैट इज ऑन 6 एंड 9 अगस्त 1945। और इसके बाद जब ये देखा जाता है कि लीग ऑफ नेशन अपने पर्पस में फेल हो चुका है उस वक्त UNO बन के तैयार होता है। यही लीग ऑफ नेशन कन्वर्ट होता है UNO में 1945 में, PCIJ ICJ में कन्वर्ट हो जाता है 1946 में, सिक्योरिटी काउंसिल इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन होता है और इस वक्त बहुत सारे परमानेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे आपको मालूम है 1919 में ही ILO एस्टेब्लिश हो चुका था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंटिन्यू होता है। WHO सामने आता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, और जो सामने आता है एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज ILC, इंटरनेशनल लॉ कमीशन।
1947 में बनकर तैयार हो चुका होता है, जिसका काम होता है कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के। जब यूएनओ सामने आता है तो इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, डीकोलोनाइजेशन। उस वक्त वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्री किसी न किसी कंट्री की कॉलोनी थी, और इस डीकोलोनाइजेशन के बाद जो कंट्री सामने आती है दैट वॉज डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें ही कहा गया थर्ड वर्ल्ड। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के द्वारा कोडिफिकेशन के लिए क्या किया गया, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोडिफिकेशन होता क्या है। कोडिफिकेशन का मतलब ये है कि रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बस उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए जो एक तरीके से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को शो करता है। अब इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन। फर्स्ट होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब होता है जितना भी रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसे ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर में अरेंज करना। सेकेंड होता है करेक्ट डिफेक्ट, जिसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ ओमिशन, किसी तरह का अगर ओमिशन है तो उसे फिल करना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल, अगर किसी रूल को समय के अनुसार से मॉडिफाई करना है उसे मॉडिफाई किया जाए। एंड एट लास्ट एलिमिनेशन ऑफ आर्काइज्म। आर्काइज्म का मतलब ये हुआ कि वैसा रूल जो कि पुराना हो चुका है, अभी समय के हिसाब से समय को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसे एलिमिनेट किया जाए। ये होता है करेक्ट डिफेक्ट्स। एंड द लास्ट प्रोसेस इज इनेक्टमेंट ऑफ रूल्स। ये जो भी रूल जिसका की ग्रुपिंग किया गया है उसके डिफेक्ट्स को करेक्ट किया गया है, उसका एनेक्टमेंट होना जरूरी है। और इस एनेक्टमेंट के लिए जरूरी ये है जो भी लॉ बने वो बाइंडिंग नेचर का होना चाहिए, और ये बाइंडिंग तभी हो सकता है जब इसे इन्फोर्स करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एजेंसी हो। तो इट वॉज द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, किस किस थिंकर ने क्या क्या डेफिनेशन दिया है, क्यों दिया है, और उसी डेफिनेशन के बेसिस पर देखा जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या ये ट्रू लॉ है या केवल इंटरनेशनल मोरालिटी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कोडिफिकेशन का प्रोसेस क्या था, क्या डिफिकल्टीज आई, क्या इसका मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। इन सारे सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।